छुट्टी से लौटने के बाद राहुल गांधी ने सबसे पहले किसानों की सुधली। किसानों के बीच राहुल गांधी खुद को उनका सबसे बड़ा हिमायती साबित करने में लगे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस वाकई किसानों की हिमायती है, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर अनिल जैन हमारे साथ हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, हरियाणा के प्रभारी हैं। अनिल जी, हरियाणा से भी बहुत सारे लोग रैली में शामिल हुए हैं, क्या वाकई कहीं ना कहीं किसान बिल के मुद्दे पर बीजेपी की किरकिरी हुई है जिसका फ़ायदा कांग्रेस उठा रही है? देखिए, ये कांग्रेस का दुष्प्रचार अभियान है और सही मायने में कांग्रेस की ज़मीन जो खो गई है उस ज़मीन को तलाशने की ये तैयारी है। ये वो अपनी ज़मीन वापस लाना चाहते हैं और राहुल गांधी की कई बार लॉन्चिंग और री लॉन्चिंग हो चुकी है, कहीं सफल नहीं रहे, इस तरह के प्रयास में वो लगे रहते हैं। ये सही मायने में ना तो किसान के हित में है, ना वो गरीब के हित में है, ना विकास के हित में है। कांग्रेस तीनों की विरोधी है, नहीं तो 10 साल के कुशासन ने जिस प्रकार देश को क्या किसानों की, क्या विकास की और क्या गरीब की हालत की है, ये सबके सामने है। लेकिन ज़मीन अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर जिस तरह का विपक्ष प्रचार कर रहा है, अमित शाह भी कहते हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भ्रामक प्रचार अपोजिशन कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी गलतियां गिनाई जा रही हैं। लगता है कि ज़मीन अधिग्रहण के मुद्दे पर वाकई एक संकट खड़ा हो गया है, आप अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे किसानों तक जिसका फ़ायदा कांग्रेस उठा रही है। नहीं, देखिए, मैं एक बिंदुवार भी बात कर सकता हूँ। किसान जो भूमि अधिग्रहण जो कानून है, जो कांग्रेस ने जो कानून बनाया था उसका विरोध कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने किया था, महाराष्ट्र ने, इवन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, ये डॉक्यूमेंटेड है, विधानसभा में लिखित है उनका पत्र। लेकिन ये इस चीज़ को क्योंकि भ्रामक तरीके से लोगों के बीच में ठीक बात नहीं रख रहे हैं ना, और भ्रामक तरीके से दुष्प्रचार कर रहे हैं, सही मायने में कन्विंस नहीं कर रहे तो कन्फ्यूज कर रहे हैं, वो वाली बात है, वही कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जो 2013 का बिल था उसके तहत पूरे देश में 1 इंच भूमि भी अधिग्रहित नहीं हुई, विकास के काम ठप्प पड़ गए। और जो भूमि अधिग्रहण होने वाला है उसमें से ज़्यादातर भूमि किसानों के या गरीबों के या गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होने वाली है, अर्थात गांव के लिए सिंचाई की बड़ी योजनाएं, किसानों को पानी मिलेगा तो देश खुशहाल होगा, समृद्धि होगी और सब लोग ठीक प्रकार से रह पाएंगे। लेकिन इनको ये नहीं दिख रहा है, अगर ये भूमि अधिग्रहण कानून में सहमति का जो चक्कर रहे वो कभी भी इस देश में किसी भी बात पर किसी भी अच्छे से अच्छे काम के लिए सहमति होती नहीं दिखती है। वो 75% सहमति लगा दो तो किसान की सारी योजनाएं ठप्प पड़ जाएंगी। अनिल जी, एक तरफ प्रधानमंत्री भी कहते हैं, आपके अध्यक्ष भी कहते हैं कि जनता तक इस बात को पहुंचाया जाए कि सरकार कैसा काम कर रही है, विपक्ष के जो हमले हैं उनको, उनकी धार को कुंद किया जाए, तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत कहाँ आ रही है? बीजेपी के जो वर्कर हैं, जो सांसद हैं, जो नेता हैं, बात को सही तरीके से पहुंचा नहीं पा रहे हैं, उसका फ़ायदा कांग्रेस ले रही है या वाकई चौतरफा घिर गई है बीजेपी? देखिए, ऐसा है, ये नीचे तक जनता के बीच में पहुँच रहा है, लेकिन क्योंकि उनके पास तंत्र है और कहीं ना कहीं आप लोग भी कहीं इस बारे में कभी कभी उनका साथ दे देते हैं, इसलिए भी ये बात ज़्यादातर मीडिया में घूमती रहती है। वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है, आप में सबसे ज़्यादा दिल्ली के करीब हरियाणा है और बिल्कुल हरित प्रदेश है, और हरियाणा की सरकार ने जिस तेज़ी से आपदा आने के बाद, आज़ादी के बाद पहली बार इतने द्रुत गति से राहत घोषित करी, एग्जाम्पल के लिए बिजली के बिल माफ़ करना, किसानों के ऋण पर ब्याज माफ़ करना, किसानों के ऋण का पुनर्गठन करना, ये सबसे पहले किसने किया? और आज से एक महीने पहले घोषित कर दिया, किसी सरकार ने नहीं किया था। तो देश में सबसे तुरंत गति से काम करने वाली और सबसे ज़्यादा किसानों की हिमायती सरकार कौन है? दूसरी बात, मुआवजा राशि 1.5 गुना घोषित कर दी और विद इन अ मंथ और टू मुआवजा राशि बढ़ जाएगी। उनके समय की मुआवजा राशि आज तक बढ़ रही है पिछले साल की, और 3-3 रुपये 97 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने बांटा भी, और उनके ये हुड्डा के शासनकाल की, अर्थात कांग्रेस खाली गाल बजाती है, किसानों के साथ काम नहीं करती, हमदर्दी नहीं करती, बरगलाने का काम अच्छे से कर लेती है ऐसा लगता है। और ये जो ज़मीन की बात है वो ज़मीन सही मायने में राहुल गांधी अपनी ढूंढने आए कहाँ गई, और सही मायने में ज़मीन वापसी के इतने हकदार हैं तो जो हरियाणा में और जो राजस्थान में इनके लोगों ने जो ज़मीन किसानों की हथियाई है, हथकंडों से हथियाई है, वो सबसे पहले वापस करें, सरेंडर करें, तब लगेगा कि इन्होंने कुछ किया। आपने राहुल गांधी की सियासी ज़मीन का जिक्र किया, हरियाणा की बात की, हरियाणा के प्रभारी हैं आप, हरियाणा से काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, क्या वाकई एक छटपटाहट है कांग्रेस में हरियाणा में, क्योंकि जिस तरह की जीत आपको मिली है हरियाणा में, क्या सियासी ज़मीन अपनी तलाशना चाहते हैं और क्या हथकंडे उनके काम आएंगे? ये देखिए, जो हथकंडे अपनाने का काम है, ये जनता कुछ दिन तक तो कन्फ्यूज रहती है,
और कुछ दिन में कभी कुछ होने वाला है नहीं, अभी 5 साल सरकार चल रही है, तो ये जनता की सब समझ में आ गई ये क्या कर रहे हैं। दूसरा, गुलाबी पगड़ी, तिरंगा पगड़ी, तंवर की पगड़ी, शैलजा की पगड़ी, इन सब की पगड़ियों की लड़ाई है वहाँ, इसलिए ऐसा लगता है कि हरियाणा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि नेतृत्व के सामने वो जो इनके 4-5 छत्रप हैं सब अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, इसलिए लग रहा है। और हरियाणा पास में है, सही मायने में जो किसान आपदाग्रस्त है, जो दुखी है, जो पीड़ित है, उसकी ना तो ये कोई चिंता कर रहे, ना उनके आंसू पहुँच रहे, ना उनके घाव पर मरहम लगा रहे, ना वो रैली करने के लिए आ रहा है। ये तो भाड़े के लोग हैं, किस प्रकार के लोग चमचमाते हुए सफ़ेद कपड़े और गुलाबी पगड़ी में जो आ रहे हैं, इनसे पूछो इनमें से किसान कितने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अनिल जैन का कहना है कि कांग्रेस की किसान रैली में जो लोग आए हैं वो भाड़े के लोग हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ज़मीन अधिग्रहण बिल के खिलाफ कांग्रेस भले ही रैली करे, आंदोलन करे, लेकिन हकीकत यह है कि खुद राहुल गांधी अपनी सियासी ज़मीन तलाश रहे हैं। कैमरामैन अशोक के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, फोकस न्यूज़, दिल्ली।